हेलो स्टूडेंट्स, जो कल ऑनलाइन टेस्ट आपका हुआ था उसके जिस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है वो लाइव क्लास में आज डिस्कस किए हैं। उसमें से जिस क्वेश्चंस का फुल आंसर आपको रिक्वायर्ड था वो क्वेश्चंस का आंसर फुल अभी हम यहाँ दे देते हैं, उसको आप लोग जो है देख लीजिए। जिन स्टूडेंट का छूट गया है वे भी फर्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन आस्क पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑनलाइन टेस्ट का, डेट हो गया आपका 25/7/2020। क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि 6 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ एज लेंथ ए एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ फिर माइनस क्यू चार्ज। अब आप इसका नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ, यह रेगुलर हेक्सागन है। अब यहाँ पर जो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, U हम लोग को फाइंड करना है U। तो पहला U देखिए, इसका A पर के चार्ज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कहाँ के चार्ज को, A पर के चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। तो A पर का चार्ज का जो इंटरेक्शन होगा ए चार्ज का इस बी के साथ, इस इंटरेक्शन का एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू, तो माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड लेंथ जो है वह ए है, तो साइड लेंथ हो गया ए। फिर इसका और इसका एनर्जी जब हम लोग लेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी यह है, यह ए है, यह डिस्टेंस ए है, तो आप थ्योरम से इसका वैल्यू निकालिएगा, ये आ जाएगा √3a। तो यह डिस्टेंस हो गया √3a। उसी तरह ए और डी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो ए डिस्टेंस आ जाएगा 2a। उसी तरह हम लोग ए और ई का डिस्टेंस निकालेंगे तो यह आ जाएगा √3a। तो अब देखिए, अब ए का बी के कारण ए बी इंटरेक्शन का यह एनर्जी हो गया। अब ए सी इंटरेक्शन का जो एनर्जी होगा यह होगा आपका ए प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय, इसकी दूरी जो है वो √3a। अब जो है इसका इसके साथ इंटरेक्शन, तो यह प्लस या माइनस, इस इंटरेक्शन के कारण होगा −1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यह दूरी 2a के बराबर है 2a। फिर जो है इसका इसके साथ, तो यह प्लस क्यू प्लस क्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई √3a। तो यहाँ देखिए √3a है, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और, यह 2 × √3a हो गया। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई हम लोग करते जाएंगे चेंज करके 2। फिर जो है इसका इसके साथ इंटरेक्शन लेंगे, तो इस इंटरेक्शन के कारण जो है −1/4πε0 √3a, यानी इसमें एक और आएगा, तो यहाँ पर 2 कर दिए मल्टीप्लाई करके।
अब हम लोग को एक फर्स्ट चार्ज जो ए पर है उसका सभी के साथ इंटरेक्शन एनर्जी मिल गया। अब जो है हम लोग को बी के साथ इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है, बी का, तो ए का बी के साथ हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इस डिस्टेंस बी सी के कारण प्लस माइनस है, तो एक या बढ़ जाएगा, तो 2 × 3 इंटरेक्शन हो गया। फिर b का d के साथ लेंगे तो √3a वाला जो है माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी यह जो है 2 से बढ़कर के एक और ऐड हो गया 3। फिर इसका इसके साथ लेंगे तो यह 2a वाला भी जो है प्लस माइनस माइनस एक बढ़ जाएगा, तो यहां गुणा कर दिया हम लोग 2। फिर जो है इसका b का इसके साथ इंटरेक्शन लेंगे, b का इसके साथ इंटरेक्शन लेंगे तो √3 वाला जो है बढ़ करके 3 × 1 हो गया 4। तो ये B के से B का इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया, A का हो गया है, B का हो गया। अब C इंटरेक्शन के कारण लेना है, तो C इंटरेक्शन के कारण फिर हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लैक कलर से लेंगे, तो C इंटरेक्शन के कारण जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। C इंटरेक्शन के कारण देखिए C पर का चार्ज है, तो C का अब जो है B के साथ इंटरेक्शन, तो प्लस माइनस वाला यह एक बढ़ गया, 3 से हो गया 4। C का जो है फिर C E इंटरेक्शन, तो √3 वाला एक बढ़ जाएगा, 4 से हो जाएगा 5। फिर C का जो है F के साथ इंटरेक्शन जो है, तो √2 वाला जो है एक बढ़ गया और यह हो गया 2 से 3। अब जो है C का A के साथ नहीं होगा क्योंकि A से इंटरेक्शन पहले ले चुके हैं हम लोग, बैक नहीं जाना है। A का 1 2 3 4 5 इंटरेक्शन था, B का 1 2 3 4 इंटरेक्शन था, C का 1 2 3 इंटरेक्शन हो गया। अब C के बाद फिर मिटा देंगे D का इंटरेक्शन, अब हम लोग देखेंगे तो D का इंटरेक्शन एनर्जी जो है D से, तो D का E के साथ 1, तो यह 4 से 1 बढ़ करके हो गया 5। D का दूसरा F के साथ इंटरेक्शन, तो यह √3 वाला एक बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ के हो गया 6। फिर D का A के साथ नहीं होगा क्योंकि ये पहले ले चुके हैं। अब D के बाद जो दूसरा इंटरेक्शन बचा हुआ हमारा बचा F का, E का, तो E का इंटरेक्शन जो है केवल F के साथ होगा, तो एक या बढ़ जाएगा 5 × 1 = 6 बस, और कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसी को हम लोग को सोल्व आउट करना है, तब इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे तो कॉमन यहां से निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखिए q² / 4πε₀ A को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाला टर्म से आ गया -6, सेकंड वाले टर्म से आ गया +6/√3 और थर्ड वाले टर्म से आ गया -3/2। अब इस 4 को हम लोग अंदर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा q² / πε₀ A। अब जो है ये -6/4 + 6/√3 और -3/2 × 4 यह आ गया है। अब जो है इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पर देखिए q² / πε₀ a इंटू -6/4 और -3/8, इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -3 तो -15, -15/8 यहाँ आ जाएगा -15/8 और प्लस इसको काट दीजिए, तो इसको देखिए यहाँ काटेंगे 2 से 2 times और यह हो गया 3 times। अब √3 से इसको काटेंगे √3 times, तो यह बच जाएगा आपका +√3/2। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया u का वैल्यू q² / πε₀ a इंटू √3/2 माइनस को बाद में लिख दिए 15/8, पहले भी आप लिख सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर हो गया और ये आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है निकालना है हम लोग को दिए गए सिस्टम का। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग का डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस हम लोग ले लेंगे रेफरेंस में, यहाँ पर ओरिजिन ओ ले लेते हैं या एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक डाइपोल को प्लेस्ड किए हैं हम लोग। तो एक डाइपोल हम लोग यहाँ प्लेस कर लेते हैं, नाम है ए बी डाइपोल, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, एक डाइपोल को हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर लिया। अब जो है आगे कह रहा है कि द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बताना है एक्स एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के पैरेलल के साथ, हुज पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, दैट इज वेयर, यानी जहां पर टैन अल्फा हाफ टैन थीटा के बराबर हो। तो इसको हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग कोई पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। अब देखिए एक पोजीशन वेक्टर ग्रीन से आपको दर्शा रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी हम लोगों ने ले लिया, यह पोजीशन वेक्टर है, यह थीटा एंगल है। अब पी पॉइंट पर एक्स एक्सिस जो है उसको देखिए, पी पॉइंट पर जो है यह हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स एक्सिस से एंगल हम लोग को बतलाना है। तो P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा। फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है Vp, यह होता है 1/4πε₀ P cos θ / r² ये हम लोग का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑब्टेन करना है पी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक रेडियल, चूंकि क्वेश्चन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर हम लोग करेंगे, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर से नोट कर रहे हैं, और दूसरा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे जस्ट टेंजेंशियल होगा टेंजेंट के अलोंग, इसको हम लोग ई टी से भी नोट कर रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग निकालेंगे, ए रिजल्टेंट मान लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वह यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसके पैरेलल, और यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे ईपी वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड पी जो है वह रेडियल कंपोनेंट से जो यह एंगल बना रहा है, यह एंगल को अल्फा हम लोग डिनोट करते हैं, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन अल्फा जो है हाफ टेन थीटा के बराबर होता है, और हमें जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वह एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल कितना बनेगा सो पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यह एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक बताइए, यह एंगल जो है हमारा है थीटा, इतना एंगल, तो ये ब्लैक वाला एंगल जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है सी, आंसर में सी नंबर जो ऑप्शन है थीटा प्लस अल्फा, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको समझा देते हैं कि ये हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये वीपी निकल गया हम लोग को, अब इस पोटेंशियल का रेडियल डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, पोटेंशियल का रेडियल डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालेंगे, तो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रेडियल डायरेक्शन को हम लोग ई आर बोलेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, आपको जगह है इधर ई आर, फिर इधर हम लोग ई टी कैलकुलेट करेंगे, फिर इधर कंबाइन करेंगे दोनों को। तो देखिए ई आर का फॉर्मूला हो गया माइनस डी डी आर ऑफ वी पी, रेडियल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो यह जो है ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ग्रीन नहीं पूरा दिख रहा है, रेड से हम लोग लिख रहे हैं ई आर रेड, ई आर जो है ब्लैक से निकाल देते हैं, आपको ब्लैक से दिख जाएगा,
ग्रीन है तो ग्रीने से आपको दिखना ज्यादा अच्छा है। तो ई ई देखिए बड़ा में कहीं दिख रहा है रेडियल डायरेक्शन में माइनस डी डी आर ऑफ वी पी, तो यह हो जाएगा माइनस डी डी आर ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो है माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया और डी डी आर ऑफ आर का पावर माइनस 2, तो यह आ जाएगा माइनस 2 बाई आर क्यू, डिफ्रेंशिएट करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यह आ जाएगा आपका ई आर रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन जो है वो रेडियल में होगा आर कैप डायरेक्शन में। अब हम लोग जो है यहां पे निकालेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ईटी। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट देखिए ईटी यह बराबर होगा माइनस डी टी। अब यहां पे टेंजेंट के डायरेक्शन में हम लोग को डिफरेंशियल लेना है, तो इस डिफरेंशियल को अगर हम लोग डीएस मानते हैं, स्मॉल चेंज इन थीटा को डी थीटा मानते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस आर है तो यह डीएस बराबर हो जाएगा आर डी थीटा, तो डी डीएस ऑफ वीपी यहां लिखेंगे हम लोग, और यह बराबर हो जाएगा माइनस डी आर डी थीटा ऑफ वीपी, और वीपी का वैल्यू यहां से डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जो है अगले स्टेप में यह देखिए, तो यह माइनस जो है पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाहर आ गया, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आ गया। अगले स्टेप में कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा, तो यह आ गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे, टेंजेंशियल रेडियल जब हम लोग को निकल चुका है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है केवल डायरेक्शन पूछा है, तो आपको ये टैन अल्फा जो है डायरेक्शन को आप यहां से भी डायग्राम से ही समझ गए, लेकिन ये कैसे यहां पर अल्फा हुआ ये हम लोग निकाल लेते हैं ताकि ये डायरेक्शन अल्फा जो है रेडियल से ही लेते हैं कैसे ये समझ। तो उसके लिए ई और ई टी के लिए जो हम लोग पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल करके डायरेक्शन वाला टर्म जो है कंसीडर करेंगे, तो डायरेक्शन वाला टर्म कंसीडर करने के लिए अब इधर जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, यहाँ इस साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्पेस, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर विथ ईआर यानी रेडियल डायरेक्शन से, तो रेडियल डायरेक्शन के लिए हम लोग टैन अल्फा निकाल रहे हैं, यहाँ पे फाई के जगह टैन अल्फा ले लिए हैं, तो अल्फा बराबर होता है क्या आपका, या अल्फा है तो बच गया ईटी, तो ईटी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ईआर प्लस ईटी कॉस 90 डिग्री, तो ये बराबर आ जाएगा ET by ER। अब ET का वैल्यू डालेंगे वहां से P sin theta divided by 4 pi epsilon naught R cube into, अब ER का वैल्यू डालेंगे यहां से तो 4 pi epsilon naught R cube divided by 2P cos theta, तो अब जो है जो कट गया उसको काट दीजिए, तो ये पूरा टर्म जो है कट गया आपका P से P कट गया, तो ये बच गया आपका कितना sin थीटा 1/2 sin थीटा by cos थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 tan थीटा, तो tan अल्फा जो है यह बराबर आ गया 1/2 tan थीटा, तो ये डायरेक्शन का रिलेशन है और क्वेश्चन में यह मेंशन है, तो यही अल्फा जो है क्वेश्चन में मेंशन है जो यहाँ हम लोग माने हैं, इसके अल्फा और प्लस या थीटा मिलकर के एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थीटा प्लस अल्फा बनाएगा, थीटा प्लस ये नहीं इसको अल्फा करिए थीटा प्लस अल्फा थीटा बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हुआ। इसी में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं,
मैग्नीट्यूड के लिए हम जो है यहाँ पे आपको लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकते हैं, तो आप मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पर देखिए, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो इसी को थोड़ा सा ऐसे हम घुमा देते हैं, अब आपको जगह मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए ई पी का मॉड लिख देंगे, ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो यह आ जाएगा रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। तो रूट ओवर ई आर का वैल्यू डालिए तो 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस P sin थीटा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में यह हो जाएगा जो बाहर निकलने वाला है, सो बाहर देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी पी स्क्वायर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, तो पी बट्टा 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एक कंप्लीट बाहर आ गया हमारा, ठीक है ना। बच गया यहाँ 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो रूट ओवर अब देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर तो 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से बच गया sin स्क्वायर थीटा। अब जो है इसमें हम लोग अब इसको मिटाते हैं थोड़ा जगह बनाने के लिए, तो यह हो गया p बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और इसमें से एक cos थीटा इसके साथ ले लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यह आ गया हम लोग का मैग्नीट्यूड ई पी का यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर पूछेगा तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में फिलहाल पूछा नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, इससे रिलेटेड इस ढंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, केवल डायरेक्शन निकालने वाला, मैग्नीट्यूड निकालने वाला और ये भी डेरिवेशन इसको प्रूव करने वाला भी आ सकता है या इस ढंग के भी आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों ने पूछा है, वो क्वेश्चन नंबर है 16, इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्शन वाला पार्ट इधर है। क्वेश्चन नंबर 16, 8 point charges can be assumed as uniformly charged small spheres and their centers at the corners of a cube having value q
each are fixed at vertices of a cube. The electric flux through the square surface ABCD of the cube. तो सबसे पहले क्यूब हम लोग बना लेते हैं. यहाँ पर एक स्फीयर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, छठा, सातवा. एक स्फीयर हम लोग डाल दिए. अब इस स्फीयर का क्यूब के अंदर जो पार्ट आया उस पार्ट को हम लोग को लेना है. तो इसको एज्यूम कीजिए एक स्फीयर इतना बड़ा है. इसको जब हम लोग ऐसे काटेंगे तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा. इस स्फीयर को वर्टिकली काटेंगे तो ये चार पार्ट में कट हो गया. और इस स्फीयर को ऐसे काटेंगे तिरछा तो यह हमारा जो है एक ओरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक ऐसे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस ऐसे काटेंगे तो यह हमारा आठ पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसमें से देखना है कि थ्री डायमेंशनली पार्ट कितना जो है क्यूब के अंदर आता है इस स्फीयर का, सोल्व को देखना है. तो इसके लिए अब पहले हम लोग यह एक्स एक्सिस लेते हैं. यहाँ पर हमारा जो है स्फीयर का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोल्ड कर देते हैं हम यहाँ पे. तो यह जो है वाई एक्सिस वाला पार्ट है और यहाँ पर ऊपर आ गया जेड एक्सिस. तो यहाँ पर जो एक पार्ट आपका दिख रहा है तो इसको एक इमेजिन करना है सेप को. ओरिजेंटली ऐसे कट कर दिए, फिर वर्टिकली ऐसे कट कर दिए, फिर ऐसे कट कर दिए. एक ऐसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड प्लेन में, एक एक्स जेड प्लेन में. तो यह आठ पार्ट में बढ़ जाएगा. आठ पार्ट में से जैसे यहाँ पर ये दो फ्रंट पार्ट होगा और ये दो रियर पार्ट होगा. अब रियर पार्ट वाला आपको बता रहे हैं, यहाँ जो ये रियर पार्ट होगा ए डॉटेड वाला पार्ट रियर हो गया यहाँ से और ए डॉटेड. अब रियर वाला जो पार्ट होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर एक कर्व आ जाएगा आपका कर्व. तो ए पार्ट हम लोग जो है ऐसे देखेंगे थ्री डायमेंशन में तो ऐसे दिखेगा हम लोग को यहाँ पर. तो एक कर्व पार्ट आप इसका इमेजिन कीजिए जिसको हम रेड से यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि यह जो पार्ट है अगर यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग क्यूब जब फॉर्म करेंगे तो ए वाला जो पार्ट आ रहा है नीचे और ये पूरा एक ऊपर का पार्ट इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ तक एक कट करके जो आएगा तो ये पूरा जो पार्ट आपका दिख रहा है ये पूरा पार्ट. तो यह हमारा जो होगा अंदर होगा और फिर इसके बाहर वाला पार्ट अंदर नहीं होगा. तो 1/8 पार्ट जो है यानी इस क्यूब का यह पार्ट हमारा अंदर हो जाएगा. तो 1/8 पार्ट जो होगा यह अंदर होगा. ये पूरा जो है दिया हुआ है चार्ज जो है वह आपका जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज क्यूब है. तो इस एक पार्ट में कितना आया चार्ज क्यूब बाई 8 पार्ट आया है. टोटल फ्लक्स हम लोग को निकालना है ए बी सी डी सरफेस का फ्लक्स निकालना है इस सरफेस का. तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं समझने के लिए. अब इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा तो टोटल क्यूब का जो फ्लक्स होगा 5t, वह टोटल फ्लक्स 5t बराबर होगा q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. और यह हमारा जो फ्लक्स होगा जो निकालना है फाई ए बी सी डी, यह फ्लक्स जो है 1/6 ऑफ 5t टोटल फ्लक्स होगा. तो यह 1/6 क्योंकि 6 फेसेस हैं, 1/6 ऑफ 5t का वैल्यू हो गया q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्यूब इनसाइड का वैल्यू निकालना है कि इस क्यूब के अंदर कितना आ रहा है. तो एक स्फीयर का कंट्रीब्यूशन जो है चार्ज के रिस्पेक्ट में क्यूब के लिए है क्यूब बाई 8. तो पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 इंटू 1/ε0 क्यूब इनसाइड जो है क्यूब बाई 8. एक स्फीयर का कंट्रीब्यूशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 स्फीयर का कंट्रीब्यूशन है. तो यह 8 कट गया तो यह फाइनली आंसर आ गया 5abcd बराबर q/6ε0. तो यही आपका हो गया फाइनल आंसर. आंसर नंबर जो है सी. और कोई
कंफ्यूजन आपके द्वारा नहीं पूछा गया है और सब ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो हैं आगे प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में।